अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा तो बच्चों, आज आप देखें दिन क्या है। आज आज है मंगल। और आज क्या तारीख है? आज है 24 मार्च 2020। और आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग सफ़ा नंबर 12 के सवाल 4 से 6 तक करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को पता है ना कि हम लोगों ने कल की डायरी में क्या किया था? हम लोगों ने पहले 3 सवालों के जवाब लिखे थे अपनी उर्दू अलिफ की कॉपी पे। आप लोगों को पता है हम लोगों ने क्या किया था कल? पहले 3 सवाल उर्दू अलिफ की कॉपी के ऊपर किए थे। अब आज हम लोगों ने क्या करना है? सिर्फ ऐसे तो नहीं कि हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ये जो 3 सवाल हैं पहले यही करने हैं हम लोगों ने? ऐसे तो नहीं है ना, हम लोगों ने सारे सवालों के जवाब हल करने थे ना। तो मेरे बच्चों, अब आप लोगों ने क्या करना है, जहाँ से आप लोगों ने जहाँ पर ये पहले 3 सवाल लिखे हैं उसी के नीचे आप लोग शुरू करेंगे सवाल नंबर 4 से। सवाल नंबर 4 आप देख सकते हैं, बदगुमानी दूर करने के लिए क्या बात ज़रूरी है। अच्छा बच्चों, मैंने जिस तरह से आप लोगों को बताया था कि बदगुमानी होता क्या है, किसी के बारे में बुरा ख्याल आना। आप लोगों को पता है ना बदगुमानी से क्या मुराद है? किसी के लिए दिल में बुरा ख्याल आना। तो अब आप लोग मुझे बताएं, आप लोग के दिन में क्या आ रहा है कि बदगुमानी दूर करने के लिए मतलब हम लोगों को क्या करना चाहिए, ज़रा सोच के बताएं। खैर, हम लोगों को कुछ इस तरह से करना चाहिए कि जिस बात की वजह से हमारे दिल में बदगुमानी आ रही है वो बात दूसरे बंदे से पूछ लेनी चाहिए। जिस बात जो भी हमारे दिल में बच्चों, जो भी बात हमारे दिल में बदगुमानी ला रही है वो उस बंदे से हमें पूछ लेनी चाहिए। ये जैसे सहाबा कराम के दिल में ये बदगुमानी आ रही थी ना कि आखिर क्यों हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ककड़ियाँ नहीं दी, आज हमारा हिस्सा क्यों ना दिया, आज अकेले क्यों खा गए सारा। तो उन्होंने वो सवाल पूछ लिया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने आज हमारा हिस्सा क्यों नहीं दिया। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जवाब दिया तो उनको बिल्कुल हर चीज़ उनके सामने साफ़ और शिफाफ हो गई कि अच्छा तो ये वजह थी। ठीक है मेरे बच्चों, आप लोग को समझ आ गई। अब आप लोग सवाल नंबर 5 पे आ जाएं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को ककड़ियाँ खाने के लिए क्यों ना दी? बच्चों आप लोग को पता है ना ककड़ियाँ खाने के लिए क्यों ना दिया हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? आप लोग लिखेंगे कुछ इस तरह से कि उस देहाती की सारी ककड़ियाँ कड़वी थीं। उस देहाती की क्या थी? सारी ककड़ियाँ बहुत ज़्यादा कड़वी थीं। तो उस बेचारे को अफसोस होता अगर उसको इस बात का इल्म हो जाता कि जो वो तोहफा लेके आया है वो सारा ख़राब है। समझ आ गई आप लोगों को बच्चों? वो जो देहाती, वो बद्दू जो ककड़ियाँ लेके आया था वो सारी की सारी कड़वी थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ककड़ियाँ खुद ही खा ली कि अगर मैं किसी और को दूंगा तो वो तो किसी एक की ज़ुबान से ये निकल जाएगा कि ककड़ियाँ कड़वी हैं। और इस तरह से उस बद्दू को अफसोस होगा, उसका दिल टूट जाएगा। ठीक है, अब आप लोग सवाल नंबर 5 पे आ जाएं। आपने इस वाक्य से जो सबक सीखा है एक जुमले में लिखिए, तो वो क्या जुमला होगा? हमें किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। बस आज के लिए हमारे ये 3 सवाल हैं। आप लोगों ने ये उर्दू अलिफ की कॉपी के ऊपर करने हैं। और अगर कोई बात की समझ ना आ रही हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे सुनने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।